किचन टिप्स। ध्यान देने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। नंबर एक, सब्जियों का जितना हो सके उतना पतला छिलका निकालने की कोशिश करें। नंबर दो, जब टमाटर का सीजन ना हो तो ग्रेवी में टमाटो केचप या सॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर तीन, पिसे हुए मसाले को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, इससे रंग और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आएगा। नंबर चार, अगर मसाले में दही डालना हो तो पहले उसे अच्छी तरीके से फेंट लें और धीरे धीरे मसाले में दही को डालें। जब भी आप सब्जी में दही डालें तो नमक को लास्ट में ही डालें जब सब्जी बन जाए। नंबर चार, घर में तैयार अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट को ज़्यादा समय तक रखने के लिए उसमें 1 टीस्पून गर्म तेल और नमक मिलाएं। नंबर पाँच, खीर बनाने के लिए हमेशा भारी बर्तन का ही इस्तेमाल करें, इससे खीर बहुत टेस्टी बनती है और दूध भी नहीं जलता है। धीरे धीरे जब खीर बनती है तो उसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर छः, चीनी के डब्बे में 5 से 6 लौंग डाल देने से चींटियाँ चीनी में नहीं लगेंगी। नंबर सात, दाल बनाते समय झाग बनने और दाल को बर्तन से बाहर झलक जाने से बचाने के लिए पानी के साथ 1 चम्मच घी भी डाल दें तो बर्तन के ऊपर लकड़ी या स्टील का पलटा रखने से भी दाल बाहर नहीं आती है। नंबर आठ, चावल पकाने के दौरान उबलते हुए पानी में नींबू का रस मिला देने से चावल खिले खिले सफ़ेद और टेस्टी बनेंगे। नंबर नौ, प्याज को फ्राई करने के दौरान उसमें हल्की सी चीनी मिला देने से वह जल्दी ब्राउन हो जाती है। नंबर 10, तंदूरी चपाती आप नरम बनाना चाहते हो तो उसका आटा गूंदते समय उसमें थोड़ी सी दही मिला लें और आटा तैयार करने के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। नंबर 11, मक्के की रोटी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मक्के का आटा चावल के माड से ही गूंदें। नंबर 12, पानी में फिटकरी मिलाकर फर्श पर पोछा लगाने से मक्खियां नहीं आती हैं। नंबर 13, चावल भिगोते समय यदि थोड़ा नमक डाल दें तो चावल सफ़ेद बनेंगे। नंबर 14, दूध में 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाने से दूध जल्दी खराब नहीं होता है। नंबर 15, चीज़ को कसने के दौरान वह चिपक जाता है, इससे बचने के लिए आप कद्दूकस करने वाले पर थोड़ा सा तेल लगा लें तो चीज़ नहीं चिपकेगा। नंबर 16, नूडल्स उबालने के बाद यदि उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वह आपस में चिपकते हैं। नूडल्स उबालने के दौरान उसमें 1 स्पून तेल डालने से भी नूडल्स नहीं चिपकेंगे। नंबर 17, अगर आप आटे को फ्रिज में रखते हो तो उसके ऊपर घी लगाकर रखें, फिर उसे ढककर फ्रिज में रखें। ऐसा करने से आटा जो है ताज़ा बना रहता है। वैसे भी आटे को 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ज़्यादा फ्रिज में रखना भी हानिकारक होता है। नंबर 18, प्याज को कट करने से पहले कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से जब आप प्याज को कट करेंगे तो आपके आंसू नहीं निकलेंगे। ये टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नंबर 19, हल्दी पाउडर व बोरिक पाउडर छिड़कने पर चींटियां नहीं आएंगी। नंबर 20, पूरी को खस्ता बनाने के लिए आटे में थोड़ा सा ब्रेड का चूरा मिला दें। नंबर 21, यदि काफ़ी आपको कड़वी लग रही हो या फिर गलती से कड़वी बन गई हो आपकी कॉफ़ी तो 1 चुटकी नमक डाल दें, इससे इसकी कड़वाहट कम होगी। नंबर 22, अगर फर्श पर कोई चिपचिपी चीज़ गिर जाए तो उसके ऊपर ब्लीच डाल देने से फिर उसे ब्रश से साफ कर लें तो एकदम साफ हो जाएगा। नंबर 23, मेथी के पराठे अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन डालकर बनाएं, इससे बहुत टेस्टी और करारे बनेंगे मेथी के पराठे। नंबर 24, तिल को कूटकर खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती है, साथ ही काले तिल को चबाकर खाने के बाद ठंडा पानी पीने से बवासीर में लाभ होता है। नंबर 25, सर्दियों में तिल का सेवन शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और इसके तेल की मालिश करने से दर्द में राहत मिलती है। नंबर 26, नींबू पानी को हाई ब्लड शुगर वाले ड्रिंक और जूस का बेहतर विकल्प माना जाता है। यह विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं। यह आपके शरीर को शुगर के गंभीर स्तर तक पहुँचाए बिना हाइड्रेट रखता है। नंबर 27, गाजर दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इनके एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए भी फायदेमंद हैं। इसके अलावा गाजर में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रखने में मदद करती है। गाजर में विटामिन ए बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसीलिए कच्ची गाजर खाने से सूजन को कम करके और सेल टर्नओवर को प्रोत्साहित करके मुहासों को कम करने में मदद कर सकती है। नंबर 28, नींबू पानी पीने से मसूड़े से संबंधित समस्याओं से राहत जल्द ही मिलती है। नींबू पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर पीने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। पाचन से जुड़ी दिक्कतें अक्सर होती रहती हैं। पाचन क्रिया वजन संतुलित करने में नींबू पानी
बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। नींबू पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक पाए जाते हैं। नियमित रूप से हल्के गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़कर पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। नंबर 29, अर्जुन की छाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अर्जुन की छाल में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है और अर्जुन की छाल में एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। और भी बहुत सारे गुण होते हैं अर्जुन की छाल में। नंबर 30, गाजर और पालक के रस में भुना जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। गाजर का रस सभी प्रकार के बुखार, कमजोरी, वैस्कुलर डिजीजेस और डिप्रेशन में लाभकारी है। सर्दी के मौसम में गाजर के सेवन से शरीर गर्म रहता है और सर्दी से बचाव होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।